हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आ गई हूँ एक व्लॉग और एक और व्लॉग के साथ, 32 बार फार्मूला लेके। तो यहाँ पे मैंने जो पानी है अपना अजवाइन और जीरे वाला, वो मैंने गर्म कर लिया है। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं सब्जी को तड़का लगा दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और सोना को जाना है स्कूल। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरी शिमला मिर्च की सब्जी। और सब्जी कोई और थी नहीं, और यही 2 शिमला मिर्च पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आलू शिमला मिर्च बना देती हूँ। भरमा बनाऊँगी तो उसके लिए मुझे पहले आलू उबालने पड़ेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसीलिए, और टाइम भी बहुत हो गया था। तो बस इसीलिए मैं यही बना रही थी। और मैं हमेशा शिमला मिर्च ना लेके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चे ज़िद कर जाते हैं रोटी पिज़्ज़ा बनवाना है, तो इसीलिए शिमला मिर्च बहुत काम आ जाती है। या तो भर के बना लेती हूँ आलू भरमा शिमला मिर्च बना देती हूँ, और नहीं तो फिर वो रोटी पिज़्ज़ा में ज़्यादातर काम आती है। तो मैं इसीलिए लेके हमेशा रखती हूँ एक शिमला मिर्च की सब्जी। और तो बस यहाँ पे मैंने अभी इसको तड़का लगा दिया है, सब कुछ डाल दूँगी, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो यहाँ पे सोना जो है वो स्कूल जा चुकी है, और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी चीकू को स्कूल छोड़ने में टाइम है, तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और मैं डेली बता दूँ कि मैं डेली एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है, 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मिलता है, मैं उतने देर में अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ जो भी होती है। बेसिक मैं कमर की ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मुझे मेरी बेली फिट पर फ़र्क पड़े, तो मैं बस वही वाली ज़्यादा करती हूँ। जंपिंग वम्पिंग वाली मैं बहुत कम करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कर लूँगी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैं ना ये वाली एक्सरसाइज कर रही थी लेट के, पर मैं करते करते ना थक चुकी थी और मैं ऐसे ही लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे थक गई हूँ, और फिर मुझसे नहीं हुई तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फिर चीकू का भी टाइम हो गया था स्कूल्स को छोड़ने का। तो बस यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही कर ली थी आज एक्सरसाइज, तो फिर अगर इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी अगले दिन, इसीलिए फिर मैंने छोड़ दी थी। सुबह सुबह मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, गला भी बढ़ गया है। तो बस अब मैं जाऊंगी चीकू को उठाने। कितने बज गए? 8 बजने वाले हैं। मैं चीकू को उठाऊंगी, उसको स्कूल भेजना है। तो फिर मैं आपसे चीकू को स्कूल भेजने के बाद मिलती हूँ। ओके, ये वाली क्या था? तूने घर भी कहाँ पता? अच्छा, स्कूल फोन लेके जाएगा तू? क्यों? बाय बाय। चलिए अभी इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ।
तो चीकू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई थी नहा के किचन में, और मैं यहाँ बना रही थी रोटी क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो उनके लिए बना रही थी मैं रोटियाँ। और यहाँ पे मैं सीधे आपसे रात में मिल रही हूँ, तो रात में बना रही हूँ अपने मक्का की रोटी। और बच्चों के लिए बनाई है मैंने रोटी गेहूं की, और एक एक रोटी बनाई है, एक रोटी सोने के लिए, एक रोटी चीकू के लिए, और मैं यहाँ बनाऊंगी मक्का की आटे की रोटी। तो यहाँ पे मैं दो रोटी बनाऊंगी अपने लिए, एक ही खाऊंगी एक ही। तो सब्जी मैंने आपको दिखा दी है कि जो सुबह बनाई थी आलू शिमला मिर्च की, वो सब्जी रखी है। तो बस यहाँ पे भी मैं बनाऊंगी अपने लिए मक्का की रोटी, बनेगी दो क्योंकि एक एक का मैंने नहीं मारा था तो दो का बना लिया था। तो बस और बनने में देर भी लगती है इसको, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मुझे आती नहीं है बनानी प्रॉपर, तो बस ये अब मैंने अपने आप से सीख सीख के बना ली है कि जैसे भी बनती है उल्टी सीधी। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मुझे नहीं आती थी अभी तक, मुझे एक दो महीने पहले भी तक नहीं आती थी मक्का की रोटी बनानी। एक दो बार ऐसे ही मन करता था बनाने का, तो मैं बस ट्राई करते 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 वो मुझे आ गई। थोड़ी बहुत बन जाती है, इतनी भी अच्छी नहीं बनती है, पर बना लेती हूँ, खाने लायक बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अभी मार लेती हूँ उसको आटे को। क्या खाना है? चोजा। चोजा क्या होता है? चोजा होता क्या है भाई? चोजा किसी को पता है क्या? चोजा क्या होता है? फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। क्या तो खाना खाएंगे? अंधेरा अंधेरा हो रहा है। दिख गया चीकू का फेस, चीकू का फेस दिख गया। तो बस मैंने बनाई है मक्का की रोटी, मैं खाऊंगी अभी एक मक्का की रोटी, इसको खिलाऊंगी एक गेहूं की रोटी, और बस डिनर में तो हम यही कर रहे हैं क्योंकि इनके पापा आज ऑफिस में रुक रहे हैं, वो ऑफिस से आने वाले नहीं हैं आज, और कह रहे हैं मेरे को वहीं रात में रुकना है। तो फिर सब्जी रखी थी तो मैंने कहा क्या बनाया, वही खाई जाएगी जो सब्जी बनी हुई है, नहीं तो दाल वगैरह बनाती। तो बस एक जना खाना खा रहा है, और अभी घड़ी में बजे कितने? 7:30 बजे। मेरी घड़ी आधा घंटा आगे है, तो अभी इसमें 8 बज रहे हैं, वैसे 7:30 बज रहे हैं। और ये पता नहीं गार्लिक ब्रेड पता नहीं वो मुँह से निकल गई गार्लिक ब्रेड, तो बस वही रटे जा रहा है, गार्लिक ब्रेड खानी है। गार्लिक ब्रेड जब खाएंगे, जब पिज्ज़ा खाएंगे ना उसके साथ गार्लिक ब्रेड खाते हैं ना तब खाएंगे। आज तो कल बनाएंगे गार्लिक ब्रेड, कल बनाएंगे। तो चलिए अभी मैं फिर खाना खा लेती हूँ, और तो बस वीडियो का मैं यहीं पे कर देती हूँ। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये मुझे बात नहीं करने दे रहा है। और मिलती हूँ आपको मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसको बनवानी है, अभी बनाओ, ऐसे कैसे बन जाती है? मैदा गूंदना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है।